हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र। तो आज डियर हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। तो आइए डियर डिस्कस करते हैं आज का इम्पोर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम है जरा दूर दृष्टि दोष, जिसे प्रिसोबायोपिया बोला जाता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष पाए जाते हैं। कारण, इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण होता है। पहला कारण ये होता है, यह दोष पश्चिमगामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। दूसरा इसका कारण होता है क्रिस्टली लेंस का लचीलापन के कारण ये उत्पन्न होता है। अब देखेंगे निवारण, इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग देखेंगे डियर, जिसका नाम है द्विफोकसी लेंस। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग होता है जो उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोषों के संशोधन में किया जाता है। अगला हेडिंग देखेंगे डियर, जिसका नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ डियर आज का जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।